नमस्कार, सबरंग समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सालगिरह 7 फरवरी को, इस मौके पर वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वाराणसी जाएंगे, जहां वे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। फिर वाराणसी से मिर्जापुर जाएंगे और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते हुए रांची लौटेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले जन आशीर्वाद योजना के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेरमो में 202 करोड़ की जिन 69 योजनाओं का शिलान्यास किया था, हेमंत सरकार ने उन पर रोक लगा दी है। सरकारी खजाना खाली होने और सड़क निर्माण विभाग की योजनाओं में भी गोलमाल की बात निगाह में आने के बाद हेमंत सरकार ने तकनीकी विभागों से जुड़ी योजनाओं पर भी रोक लगा दी है। झारखंड विकास मोर्चा झाविमो से निष्कासित विधायक प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी पर जमकर बरसे। उन्होंने निष्कासन को एक ओछी हरकत बताते हुए कहा कि वे ऐसा कर बच नहीं पाएंगे। वे आम लोगों को बाबूलाल मरांडी की असलियत बताएंगे, यह भी बताएंगे कि कैसे वे भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अब वहीं जाने को उतावले हो रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मोराबादी में उनके नाम पर अतिक्रमण हटाने के विरोध की खबर पर कहा कि इस मामले को मैंने अधिक गंभीरता से नहीं लिया है। कहा कि अगर कोई मेरे नाम पर रंगदारी कर रहा था तो प्रशासन के अधिकारियों को मुझसे इस मुद्दे पर बात कर लेनी चाहिए थी। साहिबगंज पूर्व रेलवे हावड़ा जोन के महाप्रबंधक सुनीत शर्मा ने दर्जनों वरीय अधिकारियों के साथ रेस्ट रूम व स्टीम इंजन का फीता काटकर उद्घाटन किया। जीएम के आगमन को लेकर रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन परिसर को फूल पंक्तियों से सजाया था। हजारों की संख्या में लोग भी उद्घाटन के मौके पर शामिल हुए। रांची अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर द्वारा आईटीआई हेहल परिसर में आयोजित एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगरी रोजगार मेले में 4000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस रोजगार मेले में 29 कंपनियों ने युवाओं के चयन के लिए अपना स्टॉल लगाया है। श्रम नियोजन एवं परीक्षण मंत्री इस रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद व विधायक भी उपस्थित रहेंगे। कोरोना वायरस फैलने के बाद वहां से कुल 160 लोग झारखंड लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार इन सभी पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के अनुसार इन सभी लोगों से प्रतिदिन हालचाल पूछा जा रहा है और करीब 28 दिनों तक उन्हें बाहर आवागमन करने से परहेज रखने की भी हिदायत दी गई है। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह से ही बादल छा गए हैं। संथाल को छोड़ करीब करीब पूरे राज्य में हल्की बारिश हुई, जिसने मौसम को ठंडा कर दिया है। मौसम विभाग ने 8 फरवरी तक बारिश का अनुमान जताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबरंग के साथ। नमस्कार।